नमस्ते, मैं हूं पाल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं कि कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं भारत के अंदर इन द कोविड सेकेंड फेज ऑफ द पैंडेमिक। ये सुनने में आया है कि कोविशील्ड वैक्सीन, जिसको मेरी माताश्री ने भी लगाया था, वो वैक्सीन का प्राइस बढ़ा दिया गया है बाय सीरम इंस्टीट्यूट। इनिशियली द वैक्सीन वी पेड 250 रुपीज एट स्टर्लिंग हॉस्पिटल व्हेन माय मदर वेंट फॉर द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन। अभी तक उनको सेकेंड डोसेज के लिए बुलावा नहीं आया है ऑन हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इंफॉर्मेशन ये है कि सेंटर को कोविशील्ड मिल रही थी एट 150 रुपीज एंड नाउ द प्राइस हैज बीन इंक्रीज टू 400 रुपीज टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड 600 रुपीज टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स। मगर सीरम इंस्टीट्यूट के पूनावाला ने बोला है कि ही इज गोइंग टू बी सेलिंग कोविशील्ड इवन टू द सेंटर एट 400 रुपीज। ये कहकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, कोविशील्ड इज स्टिल द चीपेस्ट वैक्सीन अवेलेबल इन द एंटायर वर्ल्ड। बट इंफॉर्मेशन ये भी है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन इज इनफैक्ट एबल टू इफेक्टिवली फाइट अगेंस्ट द डबल म्यूटेंट ऑफ कोविड-19 स्ट्रेन एज पर ICMR स्टडी। एंड ये कोवैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड इन हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक एंड इट इज इन कोलैबोरेशन विद ICMR। ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए ये कहना है कि देर हैज बीन डेथ ऑफ 22 पीपल इन जाकिर हुसैन हॉस्पिटल इन नासिक ड्यू टू लीक of oxygen tanks. Negligence is really, really not acceptable. I believe death due to negligence is murder. जो भी गुनेगार है इस लीकेज के पीछे, उन सबको सजाए मौत होनी चाहिए, because they have led to the death of 22 patients who were there in Zakir Hussain Hospital. साथ साथ में इतना कहना है कि because the rise of corona is observed everywhere in India, I think जेलों में भी corona cases बढ़ रहे हैं and संत आशाराम बाबा को इस आधार पर बेल दे देनी चाहिए, बिकॉज ही इज ओल्ड एंड इफ ही गेट्स कोविड आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू फाइट इट। कोविड इज इवन टेकिंग अवे लाइफ्स ऑफ यंग पीपल। जी हां, सीताराम येचुरी के सन जो 34 इयर्स के थे, उनकी लाइफ भी चली गई फाइटिंग कोविड एंड ड्यू टू कोविड कॉम्प्लिकेशंस एंड ही डाइड इन अ हॉस्पिटल इन गुड़गांव। तो यहां पर कोविड इज नॉट स्पेयरिंग यंग, सो आई थिंक ओल्ड पीपल नीड टू बी मच मोर केयरफुल। एंड इस आधार पर मैं चाहती हूं कि संत आसाराम बाबू को बेल दे दी जाए, who is in prison because of the POXO case that had been put against him. Namaste, Jai Hind.